देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुप्त गंगा में। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आज हूं गंगोली हाट, और आज मैं जगदीश भाई और इनके मित्रों के साथ आज हम जा रहे हैं गुप्त गंगा की ओर। मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन काफ़ी शानदार जगह बताते हैं, तो ज़्यादा जानकारी विमल भाई और बाकी बच्चे लोग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल बर्फ पड़ी हुई है शानदार तरीके से, और हम सभी लोग गुप्त गंगा के दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं सब, और रास्ता पूरा बर्फ से भरा हुआ है। तो सबसे बड़ा टास्क तो मुझे लगता है कि ऊपर तक पहुँचना ही सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि इतनी फिसलन है और उसके साथ इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ना है। अभी वैसे ये रास्ता शॉर्टकट रास्ता है, वरना गुप्त गंगा आने के लिए दूसरा रास्ता है जो काफ़ी लंबा पड़ता है। ये शॉर्टकट रास्ता है, अगर आपने शॉर्टकट अपनाना है तो एडवेंचर तो लेना ही होगा। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र हो रहा है हमारा। रास्ता देख सकते हैं आप, बिल्कुल कुछ इस तरीके का रास्ता है, और चारों ओर कोनों में झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। काफ़ी थकान भी लग गई है चढ़ाई चढ़ने में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। ऐसा लग रहा है इसमें स्नो स्कीइंग हो सकती है बढ़िया सी। चलो फिर चलो। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, आधा रास्ता हमने पार कर लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ, और ये नीचे पहाड़ी में भी देख सकते हैं सामने हिमालय बिल्कुल हमारे इक्विवेलेंट है, बट कोहरा होने के कारण वो दिख नहीं रहा है। और आप देख सकते हैं जो ये वाला पहाड़ है जो सामने दिख रहा है आपको, इस पहाड़ी पर ही गुप्त गंगा है। तो चलिए गुप्त गंगा की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गुप्त गंगा में। तो अब हम जाने लग गए हैं अंदर गुफा की ओर। जय हो। ये देख सकते हैं गुप्त गंगा का पानी बिल्कुल, ये गंगा के जितना शुद्ध पानी माना जाता है, बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक पत्थर दिख रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पानी है, लेकिन ये पूरा पानी है और इतना नीट एंड क्लीन। आगे तक गुफा है, देखते हैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। पूरा ही ये गुफा है, ज़्यादा आगे को जाने में डर लग रही है। डरिए नहीं, डरिए। कहते हैं जैसा कि बताया था, यहाँ पे इस गुफा का कोई अंत नहीं है, आगे सीधे वैष्णो देवी के माता पे ये निकलती है। देखिए इतने दूर जा पाना तो मुमकिन नहीं है वाले, और ऑक्सीजन की कमी भी, और आप मेरी आवाज़ से समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी नज़र आ रही है। चलिए अब हम बाहर को चलते हैं। जगदीश भाई, यहाँ से जो गंगा कहाँ मिलने वाली? ये बोला जाता है कि नीचे गांव में, नीचे के जो गांव है चाखी, वहाँ जो पानी जाता है यहीं से जाता है। अच्छा। और ये गंगा मानी जाती है, जो सीधे ऐसा माना जाता है कि बड़े बुजुर्ग बताए हैं, जो
गंगा आपकी यहाँ हमारे गढ़वाल साइड में जो निकलती है भागीरथी, भागीरथी गौमुख से यहाँ भी है करके। अच्छा, जो गौमुख से निकलता है गंगा है। और ये अपने आप में भी बहुत आश्चर्य की बात है कि पहाड़ में, वो भी टॉप में, उसके अंदर एक नदी बहती हो, तो अपने आप में ही बहुत अद्भुत चीज है। विमल जी जो हमारे साथ यात्रा में भी थे और यहाँ के पंडित भी वही हैं, तो वो मंदिर के बारे में बताएंगे और यहाँ की लोकेशन के बारे में बताएंगे और साथ में इस गुफा के बारे में बताएंगे। तो विमल जी बताइए, ये इस मंदिर की गुफा, ये नीचे वैष्णो मंदिर में निकलती है, यहाँ से 3 किलोमीटर है। और ये आगे सामने जो नीचे पहाड़, जो नीचे मकान दिख रहे हैं, गांव है छोटा सा, ये डोडरी गांव है। इससे नीचे सुरकाल है, वहाँ सुरकाल तो रोड है, ऊपर को डोडरी साइड को रोड नहीं है, और ये ऊपर भगोरा है, आगे सामने पहाड़ दिख रहे हैं। तो जो ये गुप्त गंगा की गुफा है, ये बिल्कुल इतनी ऊंचाई पे है कि हिमालय बिल्कुल हमारे बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं पीछे हल्का सा कोहरा लगा हुआ है और जो बाउंड्री है वो बिल्कुल सामने दिख रही है। और साथ में अभी विमल जी ने आपको बताया कि यहाँ पे क्या क्या लोकेशन है, कौन कौन से गांव बसे हुए हैं, और यहाँ पे ये स्थल एक तरीके से धार्मिक रूप से भी काफ़ी महत्व रखता है। और उसके साथ साथ यहाँ की सुंदरता है जो आप देख ही चुके हैं, कितने विहंगम नज़ारे यहाँ से दिखते हैं। सारे नज़ारे तो मैं अभी दिखा भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मौसम ख़राब होने के कारण कोहरा लगा हुआ है, वरना हिमालय के जो नज़ारे दिखते हैं यहाँ से लगभग काफ़ी हिमालय के नज़ारे, जैसे चौखंबा पर्वत श्रेणी के साथ साथ काफ़ी पर्वत श्रेणियाँ यहाँ से दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, आज आपने गुप्त गंगा की वीडियो देखी, उम्मीद करता हूँ आपको गुप्त गंगा शानदार लगी होगी। और जो प्रकृति के चमत्कार हैं, भगवान पर इंसानों की आस्था है, उसका प्रतीक है गुप्त गंगा। और उसके साथ साथ आपने यहाँ के विहंगम नज़ारे देखे होंगे, मुझे लगता है आपका दिल भी प्रफुल्लित हो गया होगा, क्योंकि हमारा तो काफ़ी हो चुका है। इसी तरीके की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए उत्तराखंड की, देश की, आप संतोष तिवारी चैनल के अंदर जा सकते हैं, वहाँ आपको उत्तराखंड की ऐसी ही खूबसूरत वीडियो देखने को मिलेंगी। आज के लिए ही इतना ही, सब खुश रहें, मस्त रहें, जय देवभूमि उत्तराखंड की। नहीं नहीं गिनना आपका मुश्किल है, मुझे लग रहा है आप गिरोगे नहीं, आप मतलब बैलेंस बना लोगे। पकड़ा भी क्या है।